सर इसमें ग्रेजुएट हो रहा था तभी प्लेसमेंट की ऑफ़र भी आ रही थी, प्लेसमेंट भी मिल गई थी, बट मुझे लगा कि आईटी कंपनी में काम करने से अच्छा आईटी कंपनी के शेयर्स खरीदना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं टेक्नोलॉजी मीडिया सेक्टर ट्रैक करता हूँ, तो मैं इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज भी ट्रैक करूँगा और ग्लोबल भी ट्रैक करूँगा। सो जिससे हमें सारी कंपनीज़ का एक वैल्यूएशन का आइडिया होगा कि इंडिया में कैसे वैल्यू होती है, बाहर कैसे वैल्यू होती है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है तो मॉर्गन हाउसेल की जो बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके जो एसेज की जो लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी है और उसके एसेज आते रहते हैं ऑनलाइन, सो बुक की ज़रूरत भी नहीं है। वो अगर उनके ब्लॉग पे भी जाएं तो सब पढ़ सकते हैं पुराने वाले ब्लॉग। आप देख रहे हैं बी वेल्दी की खास सीरीज नो योर फंड मैनेजर्स, प्रेजेंटेड बाय कुवेरा, इंडियाज फर्स्ट फ्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड्स, ऑनलाइन एफडीज एंड स्टॉक्स। नो योर फंड मैनेजर्स में हम बात करते हैं उनसे जिन पर आप भरोसा करते हैं, भरोसा करके अपना पैसा देते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पर निवेश करें और आपको कमाई करके दे सके। जी हाँ, हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज जाने माने फंड मैनेजर से। आज हमारे साथ है पराग पारेख, म्यूचुअल फंड के रिसर्च हेड और फंड मैनेजर, रौनक ओंकार। रौनक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख टैक्स सेवर और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में को फंड मैनेजर हैं। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए रौनक। सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी पढ़ाई, आपने बीएससी आईटी किया है और फिर आप अभी फंड मैनेजर के तौर पर यहाँ पर हैं, रिसर्च हेड भी हैं, ये जंप क्यों लिया था और क्यों की थी आईटी की पढ़ाई जब आपने बनना फंड मैनेजर था? तो थैंक यू स्वाति जी इस शो पे बुलाने के लिए। पर ये जो चॉइस था फंड मैनेजर बनना या इन्वेस्टमेंट फील्ड में आना, ये बहुत ऑब्वियस चॉइस नहीं था मेरे लिए। सो बचपन से मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, सो इसलिए आईटी नेचुरल एक्सटेंशन था कि कोई कोर्स करना है टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करना है तो ये एक इंटरेस्टिंग सोर्स था। और बीएससी आईटी का करिकुलम उस समय काफ़ी नया था, इंजीनियरिंग से रिलेटेड था बट फोकस था आईटी पे। सो कोर्स अच्छा था, पर कोर्स करते करते बिकॉज क्यूरियोसिटी थी दुनिया के बारे में जानने के लिए कि और क्या होता है, और क्या होता है, सो इकोनॉमिक्स फाइनेंस ये सब पढ़ लिया। बीच में वॉरेन बफेट जी के बारे में पढ़ लिया और वो पढ़ने के बाद तो आँख खुल गई कि कैसे कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इतना अमीर बन सकता है। वो एक क्वेश्चन था, पर वो क्वेश्चन इतनी आसानी से उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए और पढ़ना पड़ा कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और उम्र की 11 साल से इन्वेस्ट करने वाले का करियर कैसे होता है। तो ये पढ़ के थोड़ा इंस्पिरेशन आ गया कि ये इंटरेस्टिंग है, इसमें समझना चाहिए। और जैसे जैसे ग्रेजुएट हो रहा था तभी प्लेसमेंट की ऑफर भी आ रही थी, प्लेसमेंट भी मिल गई थी, बट मुझे लगा कि आईटी कंपनी में काम करने से अच्छा आईटी कंपनी के शेयर्स खरीदना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो अच्छा, ये थॉट आ गया था फाइनल ईयर काफ़ी सही समय था चूज करने के लिए, नहीं तो अगर मैं आईटी फील्ड में घुस जाता तो कभी बाहर नहीं आ पाता। घर वालों ने कुछ नहीं बोला? बोला क्या बोला था? काफ़ी नाराजगी थी कि उन्हें लगा था कि जो ट्रेजेक्टरी मैंने चूज़ की थी अपने लिए कि साइंस फील्ड में जाके आईटी में टेक्नोलॉजी में जो मुझे रुचि वहाँ पे थी वो छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो। तो फैमिली में स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग की कोई बैकग्राउंड नहीं है। पता था कि मार्केट होता है बट जनरली फियर के हिसाब से देखा जाता था कि यहाँ पे पैसे डालेंगे डूब जाएंगे। सो मे बी आउट ऑफ एंटायर नेटवर्थ फैमिली में 95% वॉज इन FD, 5% थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में होगा। कभी किसी ने बोला होगा फैमिली में कि डाल के देखो, और वो एक ही इन्वेस्टमेंट था, SIP भी नहीं था। तो बचपन कैसा था और आप बच्चे के तौर पे शरारती बच्चे मुझे लगता है शायद थे। जी हाँ, शरारती था और काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड भी था। सो काफ़ी सारे इंटरेस्ट थे इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, आर्ट में भी इंटरेस्ट था, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स। सो घर के बाहर निकलना नहीं था, बट जो घर के अंदर बैठ के जो भी कर सकता था उसमें सब इंटरेस्ट था। सो वीडियो गेम्स से लेके कॉमिक बुक्स, बुक्स ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। आप लोगों के यहाँ चार फंड मैनेजर्स हैं राइट, और चार स्कीम्स भी हैं आपके, और सबके रोल्स बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। आप जो सबका फेवरेट फंड है आई थिंक मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का, एटलीस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स में से सबका आता है कि उनके लिस्ट में हमेशा रहता है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, तो आप उसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों में सेम है, डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में? बिल्कुल सेम है। ओके, तो आपका इनपुट बेसिकली किस तरीके से, वहाँ पर आपका जो रोल है वो किस तरीके से काम आता है? सो हमारी रिसर्च टीम जो है, सो मैं फंड मैनेजर भी हूँ और हेड ऑफ रिसर्च भी हूँ। सो हमारी रिसर्च टीम जो हमने डिज़ाइन की है वैसे डिज़ाइन की है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, जो भी स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं, अगर हमें उन्हें ट्रैक करना है
तो ये रिसर्च टीम में सेक्टोरली एलोकेट कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्नोलॉजी मीडिया सेक्टर ट्रैक करता हूँ, तो मैं इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज भी ट्रैक करूंगा और ग्लोबल भी ट्रैक करूंगा. सो जिससे हमें सारी कंपनीज का एक वैल्यूएशन का आइडिया होगा कि इंडिया में कैसे वैल्यू होती है, बाहर कैसे वैल्यू होती है, कैसे डिफरेंट टाइप की कंपनीज इंडस्ट्री में होती है और ग्लोबली डिफरेंट मार्केट्स में होती है, और कंपनीज के जो सबसेक्टर्स उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये रिसर्च टीम इन्वेस्टमेंट टीम को बता सके. ऐसे रिसर्च टीम हमने बनाया है. सो मेरे जो इनपुट्स है वो टेक्नोलॉजी मीडिया सेक्टर ड्रिवन इनपुट ज़्यादा है एज अ एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर. मे बी ओनली फॉर एग्जीक्यूशन के लिए दैट फंड मैनेजर लेबल ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड, अदरवाइज हम सब कंपनीज ट्रैक करते हैं सेक्टर वाइज. और आपको क्या लगता है कि किसी भी सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर होना जरूरी है, मायने रखता है? जरूरी है, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसको बोलते हैं कि फ्री लंच मार्केट में मिलता नहीं है, बट डाइवर्सिफिकेशन एक फ्री लंच है जो आपको शॉर्ट टर्म में काम नहीं आता, बट लॉन्ग टर्म में आपको पता चलता है कि रिटर्न्स इतने डाइवर्ज होते हैं. सो अगर आप फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, सो गुड लक है इंडिया का कि वी हैव अ लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ एंड वी हैव सीन दैट ग्रोथ सिंस द पास्ट 30-40 ईयर्स. पर यहाँ पे जो ग्लोबली कंपनीज है उसकी तरह की क्वालिटी की कंपनीज कभी कभी इंडिया में मिलती नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल की बात की, बचपन में गूगल नहीं था, पर अभी गूगल के अलावा एक दिन चलता नहीं है, एक मोमेंट चलता नहीं है. जैसे हम लोग आपस काम में जाएंगे तो फिर से गूगल पे ही कुछ करेंगे. सो अगर कोई डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन है, ये कोई इंडियन कंपनी ने बनाया हुआ स्मार्टफोन नहीं है, किसी और ने बनाया हुआ है. तो ये कंपनीज ग्लोबल बिजनेसेस है, सारे ग्लोब में बेचती है अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज, तो हम क्यों नहीं उसका फायदा उठा सके एज इन्वेस्टर्स, उनके प्रॉफिट जो है उसका फायदा हम क्यों नहीं उठा सके. तो ये जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है, ये जो क्वालिटी की कंपनीज है, इंडिया में इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करें? सो इधर म्यूचुअल फंड रूट है या किसी ने अपना पर्सनल स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया है और डायरेक्टली उसमें से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी तरीके से इन्वेस्ट करें, बट थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. और जब वो ढूंढते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर रौनक, तो वो किस तरीके से तय करें कि किस मार्केट को अप्रोच करना चाहिए? सो ग्लोबली मार्केट्स में, सो जैसे इंटरनेशनल मतलब श्रीलंका भी है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ कोरिया, बहुत सारे ऑप्शन है. पर इसमें हमने क्लियर चॉइस किया है कि जो कंपनीज में कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो, लीगल सिस्टम काफ़ी अच्छी हो, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसे कहते हैं कि शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट करते हों, उसी टाइप की कंट्रीज में इन्वेस्ट करें. तो इसमें अब फिल्टर करते जाएँ तो नॉर्थ अमेरिका ये एक कॉन्टिनेंट है, देन डेवलप्ड यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डेवलप्ड एशिया लाइक जापान, साउथ कोरिया, ये एक कॉन्टिनेंट है, ताइवान एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री है. सो ये जब देखा जाए तो ये कंट्रीज़ की फिल्टर पहले हो चुकी है, और इन कंट्रीज़ में जो अच्छी कंपनीज हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है, और उनसे ट्रैक करते हैं, और जो भी कंपनी अच्छी लगे उनमें इन्वेस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पोर्टफोलियो में जापानीज कंपनी है सुजुकी मोटर कॉर्प, जो अपने इंडियन मारुति सुजुकी कंपनी की पेरेंट है, तो वो कंपनी डेवलप्ड एशिया में है और इट्स एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, इसलिए वो पोर्टफोलियो में है. ओके, खुद का इन्वेस्टमेंट कैसा है? खुद का इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में जो है वो पूरा फ्लेक्सी कैप टैक्स सेवर फंड में है, जो डेट में है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में है, और थोड़ा सा एफडी में है, एंड ईसॉप्स जो थे वो कन्वर्ट करके जो स्टॉक्स थे वो पीपीएफएस के स्टॉक्स में है. सो मे बी 90% इक्विटी में है. आपने ये कंपनी क्यों चुनी? सो पीपीएफएस, सो मैं जब एमबीए कर रहा था, सो बीएससी आईटी के बाद मैंने एक साल गैप लेके फिर एमबीए किया, बिकॉज कुछ प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए इसे बोल सकते हैं कि मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री में आना है. बीएससी की आईटी की डिग्री लेके तो आ नहीं सकता फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो एमबीए फाइनेंस करना था. तो उस फील्ड में एक इंटर्नशिप होती है जो एक साल के बाद करनी पड़ती है, तो इंटर्नशिप कहाँ करें वो सवाल था. सो काफ़ी जगह पे इंक्वायर किया था, बट इंटरेस्ट किसी जगह पे नहीं था, एक ही जगह में था, क्योंकि पराग पारिक के आर्टिकल्स पे पढ़ता था पहले से, तो मुझे पता था कि ये अच्छी फर्म है, और मेरा एक दोस्त यहाँ पे काम करता था अर्पित, उसे थोड़ा आइडिया था कि ये फर्म अच्छी फर्म है, और इन्वेस्टमेंट फिलोसफी जो थी, जो जैसे वॉरेन बफेट की जो फिलोसफी, जो फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोडक्शन वो था, दैट वॉज वेरी लकी कि मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ पे था या किसी और जगह पे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था. सो पराग पारिक के आर्टिकल जो थे उसमें काफ़ी हमेशा वॉरेन बफेट, बिहेवियरल फाइनेंस, ये बातें आती थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. मुझे लगा कि अगर ये फर्म में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये हम कैसे सीख सकते हैं, क्या मैं इनको देखकर सीख सकता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे आ सकता है. तो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और लकीली इंटरव्यू हो गया. क्या सवाल पूछे थे इंटरव्यू में? एक्चुअली काफ़ी फनी था. सो इंटरव्यू के पहले ही सिलेक्शन हो गया था मेरा, मुझे बाद में मालूम पड़ा था, क्योंकि अर्पित ने अच्छा रिकमेंडेशन दिया था, और जो मेरे उसके बाद बॉस थे जिगर वालिया, जो हेड ऑफ रिसर्च थे वो टाइम पे, उन्होंने मेरी ब्लॉग पढ़ी थी, उन्होंने लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग पर्सन है, इसको हम टीम में लेते हैं.
तो ये मुझे बाद में मालूम पड़ा कि सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, तो इंटरव्यू वाज अ फॉर्मेलिटी कि ऐसे ही कैसे आने को बोले, तो इंटरव्यू ले लें। तो काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो वो तो सिक्सर वाले क्वेश्चंस थे, तो इजी आंसर दे दिया। शौक क्या है फोटोग्राफी, हमें पता है आपके इंस्टा अकाउंट से मैंने देखा आपको स्टॉक करके, पढ़ने का भी शौक है ये हमें बात से समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ और भी? काफी फिल्म्स काफी देखता हूं मैं, सीरीज काफी देखता हूं। फिल्म्स में क्या पसंद है, किस तरह की फिल्में? मोस्टली मेरी टेस्ट हॉलीवुड की तरफ है, बट काफी वाइड रेंज है, सो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स भी देखता हूं, ओरिजिनल लैंग्वेज फिल्म्स भी देखता हूं, मराठी फिल्म्स देखता हूं, हिंदी फिल्म्स देखता हूं, सो काफी वाइड वैरायटी। ओके, और फेवरेट एक्टर आपको बाहर से उठाना है, अपने यहाँ से उठाना है, किसी दो नाम भी ले सकते हैं। सो फेवरेट एक्टर जिसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था बचपन में मुझ पर वाज दिलीप प्रभावळकर, ये मराठी एक्टर है। अच्छा, काफी अच्छे एक्टर है एंड उनकी जो रेंज ऑफ एक्टिंग है वो काफी एक्सलेंट है। अभी इतनी रेंज किसी की होगी, लाइक कॉमेडी टू थ्रिलर टू ड्रामा टू ट्रेजेडी सब चीज कर लेते हैं। आई थिंक सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं किया, बाकी सब कर लिया है। ओके, ऑलराइट। अभी जब आपको पढ़ने का शौक है तो किस तरह की पढ़ाई ज्यादा करते हैं आप, खुद को अपडेटेड रखने के लिए वैसी पढ़ाई या फिर सब सब तरह की पढ़ाई? सो बुक्स तो जैसे एक टाइम में एटलीस्ट दो तीन बुक्स तो चलती रहती है, जस्ट टू अपडेट अबाउट सम टॉपिक। देन काम के हिसाब से जो भी रिलेवेंट बुक्स है, लाइक फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री के बारे में बुक्स है, वो काफ़ी पढ़ना पड़ता है कभी कभी। फिक्शन थोड़ी पढ़ लेता हूँ, बिकॉज इट्स गुड टू डाइवर्सिफाई रीडिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से। सवाल ये था कि लाइफ पार्टनर चुनते वक्त भी क्या फंड मैनेजर के कहीं दिमाग में पीछे फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस उस इंसान का चलता रहता है? ऑफ कोर्स। और वहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल का फर्क क्या होता है, मतलब कैसे? टेक्निकल इज टफ बिकॉज फंडामेंटल, आई टेल यू फंडामेंटल क्यों है, बिकॉज मेरी वाइफ को मैं जानता था जब वो 2 महीने की थी और मैं 2 साल का था, सो फंडामेंटल्स वर सो क्लियर कि कोई टेक्निकल करना जरूरी नहीं था। अच्छा, सक्सेस का मायना क्या बदला है कॉलेज से लेकर अभी तक में? डिफाइन ही नहीं किया है। वन थिंग इज जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट, सो अगर सक्सेस का गोल डिफाइन कर देंगे तो उसको चेस करते रहेंगे, उससे अच्छा डायरेक्शन चूज करो एंड कीप गोइंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो हमें गोल कहते हैं, म्यूचुअल फंड में जब करते हो तो गोल बना के चलो, सक्सेस में लेकिन वो फंडा नहीं चलता, अकॉर्डिंग टू मी नहीं चलता। ओके, सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है रौनक को, किसी चीज से नहीं? आई ट्राई टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट फियर, ऑफ कोर्स फियर छोटा मोटा होता है, या कभी मिस्टेक कर ली, कंपनी अच्छी सिलेक्ट नहीं की, बट वो दैट इज नॉट फियर, दैट इज जस्ट ट्रेपिडेशन की पता है कि कुछ हो सकता है गलत, बट यू आर प्रोटेक्टेड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। बट जनरली फियर का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना इज वेरी पॉइजनस। और सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, स्पेंडिंग टाइम विद देम। फंड मैनेजर नहीं होते तो? मोस्टली आईटी फील्ड में होता, कहीं पे कोडिंग कर रहा होता। अच्छा, कुछ शब्द कह रहे हैं हम, उसके बाद जो पहला ख्याल आता है प्लीज शेयर करें, एरोगेंस। दो तीन थॉट साथ में आ गए थे, वन इज कि मुझे पता है कल मार्केट कहाँ पे होगा। अच्छा, आई थिंक दैट इज एरोगेंस फॉर मी। जेलसी? नो जेलसी। ने फियर? नो फियर। एंगर? डिसऑनेस्टी। सेल्फ डाउट? ऑलवेज। ये सेल्फ डाउट क्यों ऑलवेज रहता है? आई थिंक सेल्फ डाउट मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट टू क्लियर सेल्फ डाउट। ग्रीड? ये शब्द सुनते ही ख्याल क्या आता है मन में? नहीं आता है कुछ ख्याल, कुछ ख्याल ही नहीं आता मेरे में, नहीं है बस इतना आता है। राइट, इसके लिए। और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कोई बुक जो आप रेकमेंड करना चाहें जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त उनके लिए? आई थिंक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स कभी रेकमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। आपकी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट तो बहुत सारी है, मैं इसलिए डिफिकल्ट बोल रहा हूँ कि जो ऑडियंस सुनते हैं उनकी एक्सपर्टीज लेवल जो है उसके हिसाब से अगर बोलना है, हम उसको फिल्टर इजी कर देते हैं। जो नया नया निवेशक है, सीख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बता दें। सो अगर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है तो मॉर्गन हाउसेल की जो बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी जो एसेज की जो लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी है, और उसके एसेज आते रहते हैं ऑनलाइन, सो बुक की जरूरत भी नहीं है, वो अगर उनके ब्लॉग पे भी जाएं तो सब पढ़ सकते हैं पुराने वाले ब्लॉग। आप सुन रहे थे पराग पारेख म्यूचुअल फंड के रिसर्च हेड और फंड मैनेजर रौनक ओंकार को। जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी ख्याल आ रहे हैं इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो,
और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम सही वक्त है, अभी तुरंत कर लीजिए। तो ये था आज का बी वेल्दी नो योर फंड सीरीज प्रेजेंटेड बाय कुवेरा। कुवेरा पर आप अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और ईपीएफ का पूरा पोर्टफोलियो एक जगह देख सकते हैं। चेक द डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके साथ आज फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।